हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मेडिकल टर्म्स के बारे में तो हम सीखेंगे मेडिकल टर्म्स को विथ एक्सप्लेनेशन और जानेंगे उनके मीनिंग्स तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है तो सबसे पहले जो हमें इम्पोर्टेंट टर्म जो समझना है दैट इज़ ए अरिदमिया तो कई बार आप जो अलग अलग स्टडी करते हैं उसमें ये अरिदमिया जो वर्ड आपको देखने को मिलता है तो वाट इज़ अरिदमिया तो अरिदमिया जो मेडिकल टर्म है उसका मतलब सिंपली होता है कि ई हार्ट बीट्स उसका सिंपल जो मीनिंग होता है दैट इज़ ए इ हार्ट बीट्स तो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन के लिए जो हार्ट बीट्स होते हैं तो नॉर्मल हार्ट बीट्स होते हैं सिक्सटी से लेकर हंड्रेड के बीच में के बाजू में जो डायग्राम है उसमें आप देखें कि सिक्सटी से लेकर हंड्रेड बीट्स पर मिनट दैट इज़ ए नॉर्मल फॉर एनी हेल्दी पर्सन तो यहाँ पे आप देखो ये जो स्पीडोमीटर की तरह दिखा है तो ये 60 और ये वाला 100 तो इसके बीच में जो हार्ट की जो रिदम होती है हार्ट बीट्स होते हैं देट आर ए नॉर्मल वन तो अरिदमिया मतलब कि इरेगुलर हो जाते हैं कई बार हार्ट बीट्स आपके कि कई बार हार्ट काफ़ी फास्ट बीट करता है या फिर कई बार हार्ट बीट काफ़ी स्लो हो जाते हैं सो एन अरिदमिया इज़ एन प्रॉब्लम विद द रेट ऑफ रिदम ऑफ द हार्ट बीट कि हार्ट बीट की जो रिदम का जो रेट होता है कि एक मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट्स होते हैं तो वो रिदम जब चेंज होती है तो उसको कहा जाता है कार्डियक अरिथमिया या फिर अरिथमिया सो द मेडिकल कंडीशन ऑफ इ हार्ट बीट्स कॉले अरिथमिया एंड ड्यूरिग एन अरिथ्मिया द हार्ट कैन बीट टू फास्ट टू स्लो और विद एन ई रिदम मतलब कि कई बार आपका हार्ट जो है वह काफ़ी फास्ट बीट करेगा कई बार काफ़ी स्लो करेगा या फिर कई बार फास्ट स्लो फास्ट सो ऐसे उसकी इरेगुलर रिदम भी आपको देखने को मिलेंगी तो समझो कि काफ़ी स्लो बीट करते तो उसका मतलब ये हुआ कि 60 से भी नीचे आएगा कि 40 बीट्स होते हैं एक मिनट के अंदर 50 जितने होते हैं और फास्टर के अंदर 100 से ऊपर के 110 बीट्स हो जाए 120 जितने बीट्स हो जाए एक मिनट के अंदर तो ये कंडीशन जो कही जाती है अरिथमिया को तो अरिथमिया को आगे और दो कंडीशन में डिवाइड किया जाता है तो वो वर्ड्स भी आपको समझना जरूरी है कई बार जो आप स्टडीज़ करते हैं उसमें टैके कार्डिया वर्ड्स हम सुनते हैं एज वेल एज द ब्रेडिकार्डिया तो टैके कार्डिया मतलब क्या तो टैके कार्डिया मतलब कि जो हार्ट बीट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं सो वेन द हार्ट बीट्स इज़ टू फास्ट एंड मोर देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट द कंडीशन इज कॉल ए टैके कार्डिया कि हार्ट बीट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है जिसके कारण आप देखो ये जो ए होता है ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हम कहते हैं तो उसमें भी प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर आपको यहाँ पे ज़्यादा ए जी के जो पीक है वेव जो है वो मिल रहे हैं उसी के सामने ब्रेडी आप देखोगे तो ब्रेडी मतलब कि हार्ट बीट्स टू स्लो हार्ट बीट स्लो हो रहे हैं एंड फ्यूअर देन 60 बीट्स पर मिनट की जैसे अभी हमने वो स्पीडोमीटर देखा था कि इस तरह से कि यहाँ पे 60 था और यहाँ पे हंड्रेड था तो इसके बीच में जब हार्ट बीट से तो वो है आपके नॉर्मल बट सिक्सटी से नीचे आ रहा है तो वो कंडीशन कही जाएगी ब्रेडिकाडिया और हंड्रेड से ऊपर जा रहा है a, कार्डिया तो दैट इज़ ए टैके काडिया की कंडीशन तो ब्रेडिकाडिया में आप देखो सेम टाइम लिट में आपको ई सी वेव्स काफ़ी कम में देखने को मिल रहे हैं और जब टैके काडिया होता है तो सेम टाइम में काफ़ी ज़्यादा ई के वेव्स देखने को मिलते हैं और ये वाले आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट्स की जिसमें प्रॉपर ई आपको देखने को मिल रहा है जब किसी के हार्ट बीट्स कम्प्लीटली इरेगुलर होते हैं तो उस वक्त कोई बार ई सी वेव ज़्यादा मिलते हैं सेम टाइम के अंदर कोई टाइम ई सी वेव्स कम प्रोड्यूस होते हैं तो ये है टैकी एंड रेडी अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज ए ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बॉन बिकम्स पोरस आपके जो बॉन है वो पोरस हो जाता है कि जिसको पोरस बॉन भी कहा जाता है पोरस मतलब कि उसके अंदर आप देखो तो इस तरह से काफ़ी पोर देखने को मिलेंगे कि ये वाला ऊपर है डायग्राम के अंदर में लेबलिंग करूँ तो ए वाला जो है दैट इज़ ए नॉर्मल ए वाला जो डायग्राम है उसमें नॉर्मल बॉन्ड दिखाया गया है कि जिसके अंदर आप देखो ये पोर दिखाए हैं वो काफ़ी कम है बट जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसके अंदर ये बहुत सारे पोर आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो है उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो Osteo मतलब कि आपके बोन और बोन हो गए हैं आपके पोरस दैट मीन्स ए ऑस्टियोपोरोसिस सो इज अ बॉन डिस दैट अकर्स व्हेन द बॉडी लॉसेस टू मच बोन एंड मेक टू लिटल बॉन और बॉथ कि आपके बोन जो है वो लॉस हो रहे हैं बॉन के अंदर जो मिनरल्स वगैरह है उसके कंपोनेंट्स वगैरह है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं या फिर नए बोन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर सो एज अ रिजल्ट बोन बिकम्स वीक एंड में ब्रेक फ्रॉम और ए फॉल और इन ए इन सीरियस केसेस फ्रॉम स्नीजिंग और अ माइनर बम्प्स मतलब कि यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि जब आपके बॉन काफ़ी पोरस हो जाते हैं तो पोरस होने के कारण क्या हो जाएंगे काफ़ी ये वीक हो जाएंगे आपके बॉन्स वीक हो जाएंगे तो कभी भी वो ब्रेक हो सकते क्योंकि मेन जो बॉन्स का काम होता है कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कि जितने बॉन्स स्ट्रांग होंगे तो वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाएंगे बट जब बॉन् ही वीक हो जाएंगे तो वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं उसका फ्रैक्चर हो सकता है बिकॉज ऑफ द पोरस तो उसके कारण उनका वेट भी रिड्यूस होता है उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर फिर एक मेडिकल टर्म है दैट इज़ ए पैराक्राइन सिग्नलिंग तो पैरा सिग्नलिंग इज ए फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग और सेल टू तो सेल सिग्नलिंग मतलब कि ये एक सेल है ये ऊपर की ओर और, और नीचे जो है वो ये दूसरा सेल है तो वहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है कि जो मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये एक सेंडिंग सेल है ये सेल क्या कर रहा है मैसेज भेज रहा है और नीचे वाला जो सेल है वो वो मैसेज को रिसीव कर रहा है सो so, जैसे दो पर्सन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और जैसे टैक्स मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस करते हैं टेलीग्राम पे करते हैं ईमेल पे एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं सेम लाइक दैट एक जो है वो सेल मैसेज को सेंड कर रहा है और दूसरा वाला जो सेल है वो उसको रिसीव कर रहा है तो इस ये प्रोसेस को कहा जाता है पैराक्राइम सिग्नलिंग ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है पैराक्राइम सिग्नलिंग या फिर सेल टू सेल सिग्नलिंग कि एक सेल दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन भेजता है तो कम्युनिकेशन इन विच अ सेल प्रोड्यूस अ सिग्नल कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है कि जिसके अंदर एक सेल जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है टू इंड्यूस चेंजेस इन नियर बाय सेल एंड अल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ दोस सेल मतलब कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन से वो कम्युनिकेट की जाती है बिटवीन द सेल एक सेल मैसेज भेजता है कि जो भी कोई चेंजेस करवाने हैं उसके रिलेटेड एंड इसका जो हम कोई एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ऑफ कैरा सिग्नलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल अक्रॉस साइनेप्स बिटवीन द नर्व सेल क्या जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो भी एक नर्व सेल का भी है कि ये ऊपर का वाला एक नर्व सेल की जो सेंडिंग सेल है नीचे वाला जो रिसीविंग सेल है और ये देख रहे हैं साइनेप्स साइनेप्स का मतलब होता है कि दो सेल के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं कि दो सेल एक दूसरे से अटैच नहीं पर उनके बीच में ये स्पेस है कि समझो कि मैं येलो कलर ये जो कर रहा हूँ तो ये कलो कलर मतलब कि दैट इज़ अ साइनेप्स दोनों के बीच में प्रॉपर कोई स्पेस है तो ये साइनेप्स के थ्रू मैसेज जो है वो एक दूसरे के साथ वो रिले करेंगे और उसमें हेल्प करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे और ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिसेप्टर्स के थ्रू ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल में मैसेज को भेजने का काम करेंगे कि ये प्रोसेस को कहा जाता है पैराक्लाइन सिग्नलिंग सिंपल एक कॉम्युनिकेशन के टेक्निक ही है कि जो दो सेल एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशनस को सेंड करने के लिए यूज़ कर देगी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यू न्यूरो के थ्रू ये नीचे वाले सेल के अंदर पहुँचेगा कि जहाँ पे उसके अटैचमेंट के लिए प्रॉपर रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ ए होम्योस्टेसिस तो होम्योटेसिस का मतलब क्या है तो होम्योस्टेसिस मतलब कि केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय अ लिविंग सिस्टम कि जो लिविंग सिस्टम है लिविंग बॉडीज है वगैरह है तो वो क्या करती है केमिकल कंडीशंस को अच्छे से मेंटेन करवाने का काम करती कि का है कि चाहे टेम आपकी बॉडी का टेम्परेचर है अपने आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का कंटेंट है तो उसको अच्छे से बैलेंस करवाने का काम साथ साथ उसको अच्छे से मेंटेन करवाने का जो काम करने वाली जो सिस्टम है उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस द इन बायोलॉजी होम्योस्टेसिस इज द स्टेज ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम कि कई बार वो फिजिकली कई बार केमिकली या फिर इंटरनली जो है वो आपके बॉडी के जो अलग अलग फ्लूइड्स वगैरह है टेम्परेचर वगैरह है उसको अच्छे से मेंटेन करवाने का उनका इक्विलिब्रियम उनका बैलेंस सेटअप करने का काम करते हैं तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ऑप्टीमल फंक्शनिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूड्स द मेनी वेरिएबल एज बॉडी टेम्परेचर एंड ऑफ फ्लूड बैलेंस सो सिंपली हम कहें तो हियर देर इज़ अ बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज द फ्लूड बैलेंसेस कि स्पेशली यहाँ पे आपको करना क्या है होम्योस्टेसिस की आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर नियमन करती है बैलेंसिंग करवाती है बिटवीन द टेम्परेचर्स एंड द फ्लूड बैलेंस तो ये है होम्योस्टेसिस सिंपली फिर बात आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन क्या है तो न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन ऑल्सो कॉल ए मायोन्यूरल जंक्शन साइट ऑफ केमिकल कॉम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व फाइबर एंड ए मसल सेल तो यहाँ पे देखो ये जो पिंक कलर का पोर्शन है दैट इज ए मसल सेल कि कोई भी मसल का ये सेल है नीचे वाला कि जो पिंक कलर है और ऊपर जो है वो एक नर्व फाइबर है तो नर्व फाइबर जो है उसमें से जो मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन जो है जो या ये वाला समझो कि सेंडर है और नीचे वाला रिसीवर है तो इस तरह से मैसेजेस जो है वो एक दूसरे के से सेंड किए जाएंगे कम्युनिकेशन होगा और वो होगा केमिकल कम्युनिकेशन तो ये जो पूरा एरिया बनता है कि ये वाला पोर्शन कि ये इसको हम कह सकेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कि ये मसल फाइबर का एरिया है यहाँ पर कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे साइनेप्टिक वैसी से कि जो प्रॉपर जब भी ज़रूरत पड़े तो वो हेल्प करेंगे कॉम्युनिकेशन के अंदर फिर ये जो ऊपर नर्व फाइबर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं उसका एक्जोन का पोर्सन और ये है उसका टर्मिनल मतलब कि एंड पोर्सन तो ये है उसका एंड पोर्सन और ये मसल फ़ाइबर का स्टार्ट पोर्सन तो ये जो पोर्सन बनता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्सन बिटवीन और नर्व फाइबर एंड ए मसल सेल ये खास याद रखना है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्सन यही है कि नाम ही देखो अच्छे से आप सेपरेट करो एक वर्ड है न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन हो गई और मस्कुलर मतलब कि मसल मतलब कि न्यूरॉन एंड मसल सेल्स दोनों के बीच में जो जंक्शन तैयार होता है दैट इज़ कॉल ए न्यूरो मस्क्यूलर की ये वाली आपकी समझो कि सिंपल में ड्रॉ करो ऐसे जस्ट कैमेटिकली तो ये है आपका न्यूरॉन है और नीचे जो है वो आपका ये मसल है तो न्यूरॉन में से मसल में जो इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए कम्युनिकेशन के लिए ये जो पूरा ये जंक्शन तैयार होगा ये कहा जाएगा न्यूरॉन पर से न्यूरो वर्ड ले लो मसल्स पर से मस्कुलर वर्ड को ले लो और दोनों को कंबाइन करो तो बन गया वर्ड न्यूरो मस्कुलर और ये एक जंक्शन तैयार होगा जिसके लिए कहा जाएगा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो एकदम सिंपल टर्म है जस्ट आपको वर्ड्स को सेपरेट ही करने हैं यहाँ पे सो द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज़ द एनेलॉग्स टू द साइन बिटवीन द न्यूरॉन्स की जैसे दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होते हैं उसी तरह से न्यूरोन और मसल्स के बीच में भी इस तरह के साइनेप्स जो है वो बनते हैं जिसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ हीमोलाइसिस हीमो प्लस लाइसिस तो यहाँ पे भी आप दो वर्ड सेपरेट कर सकते हैं लाइसिस होना एंड किसका लाइसिस होना था हीमो का हीमो का मतलब कि जो आपके ब्लड सेल्स हैं हीम जो हम कहते हैं कि दैट इज अ ब्लड सेल उसमें भी स्पेशली जो आपके रेड ब्लड सेल है आरबीसीस तो उनका यहाँ पे क्या होता है ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेक होते हैं या फिर वो डैमेज होते हैं तो हिमोलाइसिस और हिमो हिमोलाइसिस ऑल्सो नॉन एज अ सेवरल अदर नेम इज द रैप्चरिंग रैप्चरिंग होना ऑफ रेड ब्लड सेल कि जिसको कहा जाता है इरेथ्रोसाइड्स एंड द रिलीज ऑफ देयर कंटेंट इन टू सराउंडिंग फ्लूड मीन्स इन ए ब्लड प्लाज्मा हिमोलाइसिस में अकर्स इन विवो और इन विट्रो इन साइड और आउटसाइड द बॉडी मतलब कि सिंपल यहाँ पे समझो सिंपल में यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये आपका नॉर्मल आरबीसी है रेड ब्लड सेल अब इसका लाइसिस होता है तो अलग अलग कोई डिसीज कंडीशन के कारण बैक्टेरियल इन्फेक्शन के कारण वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई डिसीज जो है आपका उसका इन्फेक्शन के कारण ये सेल समझो कि डैमेज होते हैं उसका लाइसिस होता है लाइसिस होना मतलब कि रैप्चर होना उसका ब्रेकडाउन होना और जब भी कोई सेल ब्रेकडाउन होता है तो सेल के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म मतलब कि उसको हम कहते हैं कि उसका कोस रस तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेल बैसे क्या निकलेगा बाहर निकलेगा कि समझो कि ये पहले तो उसके आसपास ये प्रोटेक्टिव वॉल है बट समझो कि ये वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसके अंदर यह साइटो प्लाजम जो है वो वो सेल में से बाहर निकल जाएगा और मिक्स हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा के साथ तो रैप्चरिंग ऑफ द इरिथ्रोसाइट एंड द रिलीज ऑफ कंटेंट इनटू द ब्लड प्लाज्मा की यहाँ पे देखो ये बाउंड्री अच्छे से थी बट अब ये बाउंड्री ब्रेक हो रही है और रेड ब्लड सेल के अंदर रहा जो कंटेंट है वो सब आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो रहा है और यही प्रोसेस को हम कहते हैं हिमोलाइसिस तो हिमोलाइसिस के कारण मेनली क्या होता है कि जब आपके रेड ब्लड सेल डैमेज होते हैं और उनका अंदर रहा कंटेंट जो है वो जो है वो उनके अंदर से बाहर निकल के ब्लड प्लाज्मा के अंदर हो जाता है मिक्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है मेडिकल टर्म की जो बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है डेट इज़ एंजाइनापैक्टोरिस तो एंजाइना पैक्टोरिस को सिंपल कहा जाता है चेस्ट पेन सो एनजेना पैक्टोरिस इज ए मेडिकल टर्म फॉर द चेस्ट पेन और डिसकम्फर्ट ड्यू टू द कोरोनरी हार्ट डिसीज कोरोनरी हार्ट डिसीज के कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल ए चेस्ट पेन और एंजेना पैक्टोरिस एनी टकर द हार्ट मसल्स डजेंट गेट ए मच ब्लड एज इट नीड कि प्रॉब्लम क्या होता है कि ये फर्स्ट डाइग्राम जो आप देख रहे हो उसमें ये ब्लड वेसल जो है वह काफ़ी नॉर्मल है कि जो अच्छे से ब्लड को अपने अंदर से फ्लो करवा रही है अब सेकंड डायग्राम में देखो तो यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है और ये ब्लॉकेज धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज होता जाता है जिसके कारण क्या होता है कि ये पार्सियल ब्लॉकेज था तब थोड़े अमाउंट में ये ब्लड फ्लो हो रहा था बट अब कंप्लीटली फ्लो जो है वो क्या हो चुका है स्टॉप अब ऐसी कंडीशन होगी तो जो ब्लड को प्रॉपर सप ब्लड सप्लाई की जो जरूरी है आपके हार्ट को भी और उसके मसल्स को वो जो नीड है वो पूरी नहीं होगी और उसके कारण जो है जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल एंजाइना पैक्टोरिस चेस्ट पेन एंड दिस इज़ यूजली हैपन बिकॉज वन और वन मोर ऑफ द हार्ट आर्टरीज इज नैरो और ब्लॉक चाहे कोई एक आर्टरी ब्लॉक हुई है या फिर एक से ज़्यादा आर्टरीज आपकी ब्लॉक हुई है तो उसके कारण ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पे सेकंड में ब्लॉक और थर्ड में कम्प्लीटली ब्लॉकेज जो है वो आप देख सकते हैं एंड इसको आइकेमिया भी कहा जाता है तो कई बार समझो कि एग्जाम में ऐसा पूछे कि डिफाइन द आइकेमिया तो उस वक्त भी आपको ये एंजाइना फैक्टोरिस या फिर चेस्ट पेन के बारे में ही लिखना है तो एंजाइना फैक्टोरिस कि जो डिसकम्फर्ट फील होता है चेस्ट के अंदर पेन होता है कि जैसे ये पर्सन है उसको ये जो चेस्ट के पोर्सन में काफ़ी पेन हो रहा है तो जब ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगा बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्लड के अंदर रहे जो कंपोनेंट्स है ऑक्सीजन भी अच्छे से हार्ट की मसल्स को नहीं पहुंचेगा और उनकी जो नीड है ऑक्सीजन की नीड है प्लस ब्लड की नीड है ये दोनों पूरी नहीं होगी जिसके कारण पर्सन को जो डिसकम्फर्ट फील होता है एंड चेस्ट में पेन होता है हार्ट के आसपास दैट इज़ कॉल एंजाइना फैक्टोरिस फिर इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ एनेमिया तो व्हाट इज एनेमिया तो एनेमिया डिफाइन एज अ लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और लो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन। कि चाहे आपका एच काउंट काफ़ी लो है या फिर आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल काफ़ी कम अमाउंट में है तो यहाँ पे देखो जो एनेमिक पेशेंट जो है उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिल रही है जबकि यहाँ पे देर इज़ नो रेडनेस रेडनेस जो होती है नेचुरली आपके बॉडी के अंदर देट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर अमाउंट ऑफ हिमोग्लोबिन इन योर बॉडी बट जब डिसीज कंडीशन होती है एनेमिया तो उसमें आर बी सी कम हो जाते हैं हिमोग्लोबिन कम हो जाते हैं और आपको पता है कि हिमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट है कि जो आपके ब्लड को रेड कलर देता है अब एच बी ही कम है तो इस टाइप के ये वाला डायग्राम में आप जो देख रहे हैं कि जो पर्सन का जो हाथ है उसमें कोई रेडनेस आपको देखने को नहीं मिल रही जबकि ये वाले डायग्राम के अंदर काफ़ी अच्छी रेडनेस देखने को मिल रही है सो हैविंग एन एनीमिया कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक कि जो भी पर्सन को एनीमिया होता है वो काफ़ी वीकनेस फील करते हैं टायर्ड फील करते हैं थकान हो जाती है जल्दी से एंड ये पेशेंट को कहा जाता है एनेमिक पेशेंट सो दैट कंडीशन इज़ कॉल एनेमिक कंडीशन और ए पेशेंट कॉल एनेमिक पेशेंट एंड दिस डिसीज़ इज़ ए एनेमिया करेक्टराइज बाय द लो नंबर ऑफ़ आर बी सी और लो नंबर ऑफ़ द हिमोग्लोबिन कंटेंट इन ए ब्लड तो अब यह भी पता होना चाहिए कि एच बी कितना है तो नॉर्मल एच बी की वैल्यू ट्वेल्व टू सिक्सटी ग्राम पर डे से लेटर वुमेन्स के अंदर होती है और मैन के अंदर थर्टीन पॉइंट फाइव से लेकर सेवनटीन पॉइंट फाइव अब माइल्ड एनेमिया के अंदर वह दस से बारह वुमेन्स के अंदर दस से तेरह दशमलव पाँच जितना मैन के अंदर मॉडरेट एनेमिया हो तो आठ से दस रहेगा चाहे मेल है या फिर फीमेल और सीवियर एनेमिया के अंदर वो वैल्यू आठ ग्राम पर डेसी से भी काफ़ी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की इन योर ब्लड तो उसका जल्दी से इलाज करवा लेना काफ़ी ज़रूरी होता है तो आप एनेमिया के ऊपर जो डिटेल लेक्चर है वो भी देख सकते हैं फार्मारॉक्स का फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ रोमेटोड आर्थराइटिस तो रोमेटोड प्लस आर्थराइटिस तो यहाँ पे क्या होता है आर्थराइटिस तो आपको पता चल गया कि जॉइंट पेन तो रोमेटोर आर्थराइटिस में क्या होता है जॉइंट पेन के साथ साथ जॉइंट uh, पेन के साथ साथ वहाँ पे होता है इन्फ्लामेशन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है दैट कैन अफेक्ट द मोर देन जस्ट योर जॉइंट जॉइंट तो अफेक्ट करता है पर जॉइंट से भी साथों साथ दूसरे अलग अलग मसल्स वगैरह है टिश्यूज़ वगैरह को भी डैमेज करता है इन सम पीपल कंडीशन कैन डैमेज ए वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूड द स्किन आईज, लंग्स हार्ट एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल्स ऐसा नहीं है कि ये रोमेडोर आर्थराइट सिर्फ जॉइंट को ही डैमेज करेगा बट जॉइंट्स के साथ साथ जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि स्किन आईज, लंग्स हार्ट ब्लड वेसल्स वगैरह को भी वो डैमेज कर सकता है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कि जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है और वो खुद आपके बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट करती है तब ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है और उसमें भी जब ये जॉइंट्स वगैरह के पास जो सेल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो वहाँ पे उनका इन्फ्लामेशन हो फिर वहाँ का जो लेयर्स होते हैं वो डैमेज हो और फिर जो पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है जॉइंट्स के आसपास एज वेल well एज़ दूसरे बॉडी पार्ट्स में दैट इज़ ए कॉलेज रोमेटोडार्थराइटस फिर जो टर्म है दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो हार्ट फेलियर मतलब कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनको समझो कि अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा जिसके कारण क्या होगा वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और ये जब वीक हो जाएंगे तो अच्छे से वो पंप नहीं कर पाएंगे ब्लड को तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट द पम्पिंग पावर ऑफ अवर हार्ट मसल्स कि जब आपका हार्ट हेल्दी होता है कोई डिसीज कंडीशन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स आप देख सकते हो और ये नॉर्मल हार्ट के थ्रू प्रॉपर अच्छे से ब्लड पंप हो रहा है बट कंजेस्टिव हार्ट के अंदर क्या हो रहा है थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चैम्बर्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड अब समझो कि यहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है कैलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और वेंट्रिकल्स का जो चैम्बर होता है वो समझो कि स्मॉल हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं तो उनकी फिलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएंगी और फिलिंग कम होगा तो इजेक्शन भी कम ही होगा तो पंपिंग कैपेसिटी के ऊपर असर पड़ता है एंड सिंपली रिफर एज ए हार्ट फेलियर दैट मीन्स लेस ऑक्सीजन इज रिचिंग ऑर्गन्स एंड मसल्स विच कैन मेक फील टायर्ड एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा पर्सन को अब हार्ट ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन एज सॉरी ब्लड जो पंप करेगा तो हमें पता है कि जो कम ब्लड जाएगा ऑर्गन्स की ओर तो ब्लड कम जा रहा है तो उसके अंदर रहा ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में जाएगा कि जिससे जो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी और सेम लाइक दैट वापस जो ब्लड आपके हार्ट में आएगा और साथों साथ हार्ट्स के भी जो मसल्स वगैरह हैं उनको भी जो ब्लड सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन चाहिए वो भी कम मिलेगा तो उसके कारण वो मसल्स वीक होते जाएंगे ज़्यादा और धीरे धीरे अपना काम जो है वो काफ़ी कम करेंगे और उसको हम कहते हैं मेडिकल कंडीशन ऑफ़ ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द वेरियस मेडिकल टर्म्स की जो एनाटॉमी में भी इम्पोर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी एंड ऑल्सो इन ए मेडिकल साइंस तो फार्मोलॉज के जो लेक्चर नोट्स आपको ऐप ऊपर मिल जाएंगे कि जो पी डी एफ्स रहेंगे साथों साथ आपको अलग अलग कोर्सेज भी वहाँ पर एक्सेस कर सकेंगे व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो कोर्सेज़ अवेलेबल है फॉर्मर ऑक्स के ऐप ऊपर जैसे कि स्टडी मटेरियल रहता है प्रिंटेड एंड पीडीएफ में टेस्ट सीरीज़ रहती है वीडियो लेक्चर रहते हैं तो सभी को एक्सेस कर पाएंगे सो थैंक यू फॉर वाचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए आईफोन यूज़ कर दे तो एप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी सो गुड लक एंड द ऑल द बेस्ट